हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर 2 देख रहे हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट। बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। सो इस वीडियो में हम लोग इसको आराम से एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन समझेंगे। सो 2.1 में इंट्रोडक्शन है, ठीक है, और आप क्या क्या चीज़ में पढ़ोगे, इसमें जो पढ़ोगे उसका इंडेक्स में यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। सो हम बेसिकली हम यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सिग्निफिकेंट फिगर, डायमेंशन, ये सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो इंट्रोडक्शन में देखो क्या लिखा गया है। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद सर्टेन बेसिक आर्बिट्रली चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल यूनिट। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो कि आपके घर में कहा जाए कि 2 kg आटा आप लेकर के आ जाओ बाहर से। अब ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी हुई जिसको हम लोग मेजर कर पाए, जिसको हम लोग चेक कर पाए, जिसको हम लोग क्वांटिफाई कर पाए, उसका वैल्यू बता पाए। लाइक आप वेट बोल सकते हो या आप लंबाई किसी चीज की बोल सकते हो। बट यदि मैं आपसे पूछूं कि हैप्पीनेस कितना है, उसको 2 kg हैप्पीनेस ले आओ, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। या फिर मैं आपसे बोलूं कि 2 kg आप स्माइल ले आओ, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है। मीन्स कि जो चीज़ को हम लोग मेजर कर सकते हैं उसी को हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि जब आपसे कहा जाए कि 2 kg आटा ले आओ, इसका मतलब आटा लाना है और उसका कुछ वेट होगा, और वो वेट कितना होगा, 2 kg। सो यहाँ पर जो kg है ना, ये एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस है। लाइक दुकानदार शॉपकीपर को भी पता है कि 1 kg में कितना वेट होता है, और आपको भी पता होगा कि 1 kg में कितना वेट होता है। आप इंडिया में लो, इंडिया से बाहर जाओ, कहीं वर्ल्ड में कहीं पर भी लोगे, तो इस kg का जो वैल्यू है ना वो सेम होगा। इसमें जो क्वांटिटी मिलेगी, जो अमाउंट मिलेगा वो सेम होगा, इसलिए इसको कहा गया इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस। सो ये एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो कहीं पर तो डिफाइन किया गया होगा। सो यही आपको कहलाता है यूनिट, और ये आपको दिखाया नंबर। सो आपको बताया गया कि जो आटा लाना है वो 2 kg लाना है, और कितना यूनिट का लाना है, तो केजी में जो यूनिट है उसका लाना है। सो अब ये कंपेयर करना होगा सर्टेन बेसिक्स, कुछ से कुछ जो यूनिट्स होते हैं वो बेसिक्स होते हैं, और उसको हम लोग फंडामेंटल या बेस यूनिट भी बोलते हैं। लाइक यदि वेट आपको चेक करना है तो उसका जो बेसिक यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है, लेकिन यदि लंबाई को आपको चेक करना है तो आप ये नहीं ना बोलोगे कि 100 kg लंबा आदमी, लॉन्ग मैन नहीं बोलोगे। तो लंबाई को चेक करने के लिए जो यूनिट हो गया वो डिफरेंट हो गया, ठीक है। लाइक आप बोलते हो 180 cm लॉन्ग मैन, तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्या हो गया, उसका यूनिट हो गया, लेंथ का यूनिट हो गया, लेंथ को मेजर करने का यूनिट हुआ। सो आप कोई भी मेजरमेंट का जो आउटपुट होता है उसको कैसे लिखते हो, नंबर और उसके बगल में यूनिट लिखते हो। लाइक इस केस में आपने बोला था 2 kg आटा, तो यहाँ पर ये नंबर हो गया और ये इसका यूनिट हो गया, ठीक है। या फिर आप बोल रहे थे 180 cm लेंथ, तो ये यूनिट हो गया, ये आपको नंबर हो गया। सो ये लिखने का ये स्टैंडर्ड मेथड है। ऑल्दो द नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अपीयर्स टू बी वेरी लार्ज, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है, तो क्या सबके लिए आप एक एक यूनिट दोगे? मीन्स कि आप सपोज करो एरिया है, तो एरिया के लिए क्या आप अलग यूनिट दोगे? वॉल्यूम है तो क्या उसके लिए अलग यूनिट दोगे? लेंथ है तो क्या उसके लिए अलग यूनिट दोगे? नहीं, हम लोग कुछ यूनिट्स को लेते हैं जो कि फंडामेंटल होगा। सो सारे संसार के सारे फिजिकल क्वांटिटी को आप एक्सप्रेस करने के लिए कुछ ही यूनिट का यूज करते हो, कुछ ही जिसको हम लोग फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी बोलते हैं, और इस यूनिट्स को फंडामेंटल या बेस यूनिट्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे यूनिट्स ना समहाउ इसी 7 यूनिट से एक्सप्रेस हो जाते हैं। लाइक एरिया को यदि एक्सप्रेस करना हो तो एरिया होता है मीटर इंटू मीटर, मीन्स कि एरिया को कैसे करते हो, लेंथ इंटू लेंथ से एक्सप्रेस करते हो, क्लियर है। वॉल्यूम को एक्सप्रेस करना होता है तो हम लोग
LBH करते हैं, मीन्स कि लेंथ का ही तीनों यूनिट है। आप वॉल्यूम के लिए ऐसे ही बोलते हो ना कि किसी क्यूब क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम आप कैलकुलेट करो, इसका यदि लेंथ 2 सेंटीमीटर है, जो विड्थ है वो 3 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर सपोज करो। सो ये सारा आपको लेंथ के ही टर्म में एक्सप्रेस्ड है। सो क्लियरली वॉल्यूम को डिफाइन करने के लिए एक नया यूनिट नहीं चाहिए। और इस केस में जो द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट विच इज कॉल्ड एज डिराइव्ड यूनिट। सो क्लियरली यहाँ पर जो लेंथ होगा वो आपको क्या होगा, बेस यूनिट, और जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, डिराइव्ड यूनिट। क्लियर है? सो एक कंप्लीट सेट ऑफ, अब ये देखो वॉल्यूम को, जैसे लेंथ को आपने बोला सेंटीमीटर में, सो वॉल्यूम के लिए क्या लिखोगे, सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? सो अ कंप्लीट सेट ऑफ दिस यूनिट्स बोथ द बेस यूनिट। सो बेस यूनिट क्या हो जाएगा आपको, लेंथ हो जाएगा या फिर मीटर हो जाएगा, और डिराइव्ड यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब होगा, इज नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे कि यूनिट क्या है। हमको, मुझे यदि किसी चीज को मेजर करना है तो किसी एक रेफरेंस के रिस्पेक्ट में करेंगे, और वही रेफरेंस आपको यूनिट कहलाता है। टोटल आपको इसको आपको एक बेस या फंडामेंटल में बोलते हैं, जिसको फर्दर आप ब्रेक नहीं कर सकते, और सारे फंडामेंटल एक दूसरे से अलग अलग है, और बाकी जितने भी संसार के यूनिट हैं उनको, सारे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग इसी फंडामेंटल के टर्म में लिख सकते हैं। अब इसको मेजर कैसे करते हैं, सो द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो इन अर्लियर टाइम साइंटिस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज वेयर यूजिंग डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट फॉर मेजरमेंट। अलग अलग जगह पे अलग अलग सिस्टम हो रहा था, और इस कारण से आप सपोज करो कि एक जगह पर के सिस्टम को दूसरे जगह के सिस्टम में यूज करना है तो वहां पर कन्वर्जन करना पड़ रहा था। लाइक आप देखो कि सीजीएस सिस्टम, तीन सिस्टम थे मेनली आपको, सीजीएस सिस्टम थे और एफपीएस सिस्टम, इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, और तीसरा था एमकेएस सिस्टम। अब ये सब फर्स्ट लेटर से लेकर के बनाया गया है। CGS में से C से क्या हुआ, सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकेंड, ठीक है। सो और MKS में M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड। सो क्लियरली एक जगह यदि सेंटीमीटर यूज हो रहा है, एक जगह मीटर यूज हो रहा है, तो ये तो सेंटीमीटर में बोलेगा, और दूसरे जगह उसको आपको मीटर में वो उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। लाइक आप यदि एक जगह पर हर चीज ग्राम में सेल हो रहा है, तो आप बोलोगे कि हम, मुझे ये 1000 ग्राम आटा दे दो। सो आप इसमें बोलने के लिए हैबिचुअल हो, जबकि दूसरे जगह किलोग्राम यूज हो रहा है वहाँ पर हैबिचुअल क्या हो बोलने के लिए, 1 kg आटा दे दो। सो बार बार एक कन्वर्जन करना पड़ेगा, और ये कन्वर्जन बेसिकली दिक्कत कर रहा था, इसलिए एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल एक्सेप्ट किया गया, बनाया गया मेजरमेंट का, और उसको हम लोगों ने बोला SI यूनिट। क्या बोला, SI यूनिट। क्या है इसका फुल फॉर्म, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, और ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब हो गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और इसको SI यूनिट भी बोलते हैं। सो अब जो यूज होता है वो SI यूनिट होता है। सो आपको SI यूनिट के बारे में पढ़ना है। द SI विद स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ सिंबल्स ऑफ यूनिट एंड एब्रिवेशन वॉज डेवलप्ड एंड रिकमेंडेड बाय जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स इन 1971 में हुआ था फॉर इंटरनेशनल यूज। उस साल लोगों ने ये एक्सेप्ट किया था फॉर इंटरनेशनल यूज इन साइंटिफिक, टेक्निकल, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल वर्क, बिकॉज ऐसा यूनिट यूज डेसिमल सिस्टम, कन्वर्जन विद इन द सिस्टम्स आर क्वाइट सिंपल एंड कन्वीनियंट। ये आपको डेसिमल यूज करता है, 10 का पावर में से करता है, इसलिए इसका, इसके बीच का जो कन्वर्जन है वो बहुत सिंपल है। लाइक आपको देखो, 1 मीटर जो है वो कितना होता है, 100 सेंटीमीटर में होता है, इसलिए कन्वर्जन ईजी है, 10 के रेशियो में है। वी शैल फॉलो द SI यूनिट इन दिस बुक
इन एस आई देयर आर सेवन बेस यूनिट्स एज गिवन इन द टेबल 2.1। सो बेसिकली सेवन बेस यूनिट है जो कि इस टेबल में दिए गए, उसके बारे में हम लोग आगे फर्दर देखेंगे। और जितने भी अदर क्वांटिटीज हैं फिजिकल क्वांटिटी, वो इन्हीं सेवन बेस यूनिट के बेसिस पे हो जाते हैं। इसके अलावा आपको दो और होते हैं एंगल के लिए। एक होता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल मीन्स कि सपोज करो कि इसी प्लेन पर जो एंगल बनाया, मीन्स कि थ्री डायमेंशनल एंगल नहीं है, इस प्लेन में ये एंगल जो बनाया, सपोज करो ये एंगल डी थीटा बनाया, तो ये डी थीटा और डी थीटा एंगल कौन बनाया, ये जो कर्व है, ये कर्व डी एस कर्व, ये बनाया एंगल डी थीटा यहाँ सेंटर इस पॉइंट पर ओ पे, तो और ये आर होगा ना, तो डी थीटा का वैल्यू होगा डी एस बाई आर। सो डी थीटा या एंगल को कैसे, प्लेन एंगल क्या है ये, प्लेन एंगल। अभी डी मतलब कुछ और मत समझ लेना, तुम इसको डी थीटा नहीं लिखो, थीटा ही लिखो, और इसको कुछ भी लिखो। सो थीटा इज इक्वल टू डी एस बाई आर। डी बस छोटा क्वांटिटी के लिए दिखाया है, बाकी ये एंगल क्या है, प्लेन एंगल, इसी प्लेन में है। और ये जो देखो फिगर, ये क्या है, आपको थ्री डायमेंशनल फिगर है। आप जो चना खाते हो ना, चना जोड़ गरम भूजा जिसको बोलते हो, सो उसको आप जो कोन होता है, ये कोन होता है, सो कोन एक क्या कर रहा है, एक एंगल थ्री डायमेंशनल में बना रहा है। सो ये एंगल जो हो गया, इसको आपको किस सिंबल से डिनोट करते हो, इसको इस सिंबल से डिनोट करते हो, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। यहाँ पर ये स्मॉल है इसलिए इसको डी टर्म से दिखाया है। और ये एरिया बेसिकली सॉलिड एंगल को क्रिएट करता है, और इसको डिफाइन करते हैं सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाई आर रेडियस हो तो आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट प्लेन एंगल का होता है रेडियन, और इसका यूनिट होता है स्टे रेडियन। देखो क्लियर है, सो आई थिंक ये समझ गए होगे प्लेन यूनिट और जो सॉलिड एंगल क्या होता है। अच्छा, दोनों क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, मीन्स कि नंबर होते हैं। क्लियर है, ये आपको इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, इसमें बस वैल्यू होते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, और देखो ऐसा यूनिट या जो बेस क्वांटिटीज हैं, लेंथ। लेंथ को कैसे, लेंथ के लिए आपको मीटर होता है, एम सिंबल से होता है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो देखो पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग टाइम इंटरवल ऑफ 1/29792458 ऑफ सेकेंड। क्लियर है, आपको लाइट का स्पीड मालूम है, अप्रोक्सीमेटली था 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीन्स कि एक सेकेंड में ये आपको कितना मीटर जा रहा था, इतना मीटर जा रहा था। सो मीटर को कैसे डिफाइन करोगे, सो एक मीटर हुआ कि इतने सेकेंड में 1/3×10⁸ सेकेंड में कितना ही डिस्टेंस गया। अब ये तो हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट लिखते थे, एक्चुअल में ये होता था। क्लियर है, इसलिए ये 1983, ये फिर उसके बाद मास के लिए किलोग्राम का होता है, ये किलोग्राम इज इक्वल टू मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम ए प्लैटिनम इरेडियम एलॉय सिलेंडर। रखा गया है कहाँ पे, रखा गया है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर एट सर्व्स नियर पेरिस फ्रांस। ठीक है, सो ये सब सबका बस डेफिनेशन है, टाइम का सेकेंड डेफिनेशन हो गया, और इलेक्ट्रिक करंट, ये आपको कौन कौन बेस यूनिट है ये आपको याद होना चाहिए, कभी कभी पूछते हैं कौन सा कौन कौन बेस यूनिट है। सो सब समय के साथ आगे आगे जैसे फिजिक्स पढ़ेंगे सारे आते जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का केल्विन है, और ऐसे ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है, मोल के बारे में आपको आइडिया होगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला है। क्लियर है, और ये सब का डिफिनीशन यहाँ पर दिया गया, आप देख सकते हो, कुछ डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना। अम सम यूनिट्स रिटेन फॉर जनरल यूज दाउ आउटसाइड एसआई, ये सब एसआई यूनिट में नहीं है बट जनरल यूज में होता है, लाइक आपको मिनट, और बेसिकली टाइम के लिए एसआई यूनिट में क्या होता है, सेकेंड होता है, लेकिन मिनट कितने के बराबर होता है, 60 सेकेंड के बराबर, आवर वैसे ही 3600 सेकेंड के बराबर, डे होता है 86400 सेकेंड के इक्वल होता है, ईयर होता है 365.25 डेज के इक्वल, इसको यदि सेकेंड में हम लोग चेंज करें तो 3.156×10⁷ के। डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है, डिग्री होता है पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल, आप ये हमेशा ध्यान देना, 180 डिग्री होता है पाई रेडियन के,
आपने देखा है कि इसे प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो एक रेडियन होता है। तो सपोज करो कि एक सर्कुलर आर्क है और वो सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, ये बनाता है सेंटर पर 180 डिग्री, आपको मालूम है। लेकिन आप ये रेडियन के टर्म में बोलोगे तो इसको हम लोग पाई रेडियन भी बोलते हैं। पाई का वैल्यू क्या होता है, 180 होता है। तो 180 डिग्री पाई रेडियन हो गया और यहाँ से 1 डिग्री आ जाएगा पाई बाई 180 रेडियन। उसी तरह से लीटर भी हो गया, ये क्या होता है 10³ m³ होता है। टन होता है 10³ kg। कैरेट होता है 200 mg। और बार हो गया, ये आपको प्रेशर के लिए यूज होता है, ये बार होता है 10⁵ पास्कल। क्यूरी आपको क्या है, ये CI से डिनोट होता है और ये रेडियो एक्टिविटी का है। इसका यूनिट क्या होगा, 3.7 × 10² s। सो ऐसे करके सारे हैं, इसमें कोई बहुत वो नहीं है। एक ये भी इम्पॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू होता है 1.013 × 10⁵ PA। सो आई थिंक ये समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं। नो डैट व्हेन मोल इज यूज द एलिमेंट्री इंटिटी मस्ट बी स्पेसिफाइड। दिस इंटिटी मे बी एटॉम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, अदर पार्टिकल और स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ सच पार्टिकल। देखो मोल यदि आप डिफाइन करते हो तो उसके साथ क्या है, लाइक आप बोलते हो 2 मोल एटॉम, तो एटॉम भी आपको बताना होता है। मोल बेसिकली नंबर है और 1 मोल का वैल्यू कितना होता है, 6.023 × 10³³ नंबर में, ठीक है। यदि आप यदि बनाना को बोल दो तो यदि इतने नंबर ऑफ बनाना को आप एक साथ रख दोगे तो उसको बोलोगे 1 मोल बनाना। सो आपको जो किस चीज़ में है वो भी बताना होगा। सो बाकी आगे आपको वही डिराइव्ड यूनिट और बेस यूनिट के बारे में अलग अलग अपेंडिक्स में लिखा गया। डिराइव्ड यूनिट आप समझ गए होगे।